नमस्कार केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों की। और बटका खापा विगत दिनों 26 जनवरी 2023 बसंत पंचमी के पावन उपलक्ष्य में बटका खापा के श्री दुर्गा माता मंदिर में मां भगवती की पूजन अर्चन के साथ मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा कर मां नर्मदा की भक्तों ने ढोल बाजे एवं डीजे के साथ नौचते हुए मां नर्मदा की पैदल चुनरी यात्रा निकाली, जिसमें माता के भक्तों ने मां की पावन चुनरी को दोनों ओर से पकड़कर पैदल चलते हुए बस स्टैंड से आवास गृह पहुंचकर भगवान शिव एवं हनुमान मंदिर प्रांगण में विराजमान देवी देवताओं का पूजन कर होते हुए मार्ग में पड़ने वाले सभी मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर यात्रा आगे बढ़ाई गई। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रामों में भी मां नर्मदा की पावन चुनरी में नारियल फूल प्रसाद सहित राशि दान की गई। यात्रा का मार्ग के आगे के कुछ स्थानों पर मां रेवा के भक्तों को ग्राम वासियों द्वारा चाय नाश्ता एवं भोजन भंडारा भी कराया गया। मां रेवा के सभी भक्तों ने हृदय से उन सभी के मंगल भविष्य की कामना की। प्रारंभ से ही पूर्व यात्रा तक शिव रेवा के भक्तों ने हर हर नर्मदे का पावन नारा लगाया गया। शनिवार को मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर जिले में स्थित पावन नदी क्षेत्र बरमान घाट में मां नर्मदा की पैदल चुनरी यात्रा 3 दिनों पर पार कर पहुंची। उक्त धार्मिक स्थल पर मां नर्मदा के सभी भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से मां नर्मदा मैया का पूजन अर्चन कर मां की पावन चुनरी को मां नर्मदा के पावन जल में समर्पित किया। मां नर्मदा जयंती के पावन जत्थे में सम्मिलित सभी भक्तों के द्वारा बरमान घाट से आकर पूरे श्रृंगार व ढोल बाजे एवं डीजे साउंड के साथ मां भगवती के दरबार में पूजन अर्चन कर जी हनुमान दुर्गा समिति एवं रामायण समिति भगवती युवा मंडल बटका खापा स्थित श्री शिव मंदिर हनुमान मंदिर आवास गृह में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मां रेवा का प्रसाद पाने हेतु ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी भारी संख्या में उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा में बुजुर्ग माताएं बहने युवा साथी एवं छोटे बड़े बच्चे भी सम्मिलित रहे। साथ ही सबसे अपने गांव व क्षेत्र में शांति की कामना के साथ आपसी भाईचारा की भी कामना की है। बटका खापा से कैमरामैन मेहुल राजपूत के साथ प्रियंक सोनी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।